वेलकम टू सीएड ऑफर। थैंक यू। आज सेगमेंट के लेंगे फैशन एंड लाइफस्टाइल, आपके बारे में जानेंगे कैसा है आपका लाइफस्टाइल। जी, मैं बहुत एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। मैं सुबह वर्कआउट करती हूँ, मैं हो सके उतना बाहर का नहीं खाती हूँ, बट आजकल हम कंटिन्यूसली शूट कर रहे हैं और मेरे को एक्ट्रेस ऐसे फूडी है कि रोज़ कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं, तो आई एम ऑल्सो गोइंग ऑफ ट्रैक, बट हेंस दो तीन दिनों से मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ। मेरा फिटनेस सीक्रेट है कि आप कम पोषण खाओ, आप हेल्दी खाओ एंड मेक श्योर कि आप वर्कआउट आपका कभी मिस ना करो, जबकि मैं खुद कर रही हूँ ये सब। मैं यूजुअली 5:30 के आसपास उठ ही जाती हूँ एंड अब तो बॉडी क्लॉक ही ऐसा हो गया कि जिस दिन ऑफ भी रहता है 6:30-7 के आसपास ना चाहते हुए भी नींद खुल जाती है, तो मुझे लगता है कि वो जो मॉर्निंग का टाइम है अराउंड लाइक 5:30 to 7:30 वो मेरा वर्कआउट है एंड उसके बगैर आई रियली कैन नॉट फंक्शन वेल। वही कि 7:30 तक आई एम डन विद माय वर्कआउट एंड शावर एंड एवरीथिंग एंड बाय 8:30 आई लीव फॉर माय वर्क एंड अब यहाँ पर हम जो आ रहे हैं हम तो पूरा दिन ऐसे लगे पड़े हैं बिकॉज हमारे सीन्स इतने बड़े बड़े होते हैं, हम दिन भर खड़े रहते हैं, तो आई थिंक वो डबल वर्कआउट हो जाता है। मैं कोई फैंसी डाइट नहीं फॉलो करती हूँ, मुझे लगता है जितना बेसिक और जितना सिंपल रखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव कार्ब्स, आई हैव प्रोटीन एंड फाइबर, हो सके उतना कार्ब्स कम एंड ऑल्सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक इवनिंग 7 o'clock जो सूर्यास्त का टाइम होता है, जो पहले दादी परदादियाँ जो बोलती थी शाम के बाद हम नहीं खाते हैं, तो आई जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट। 7:30 इज माई लास्ट मील। यही है कि मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, चाहे आप वो वर्कआउट करो, एक फूड को लेकर हो। ऐसा नहीं है कि मैं दो दिन अच्छा डाइट कर लूँ फिर तीसरे दिन से अगेन आई स्टार्ट हैविंग जंक, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए एंड क्रैश डाइट्स जो है वो तो अ बिग नो फॉर एवरीबडी। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इज़ द मेजर की फॉर योर हेल्दी लाइफस्टाइल। स्किन रूटीन, आप बहुत सारा पानी पियो, मेक श्योर आप सनस्क्रीन लगाओ, लिप ग्लॉस बिफोर यू नो सनस्क्रीन वाला जो लिप ग्लॉस आता है वो यूज़ कीजिए, आप अपने आप को ज़्यादा सन में एक्सपोज मत कीजिए एंड जो बेसिक आपके रूटीन होते हैं, आपके डर्मेट जो बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इन गेटिंग फैंसी यू नो सीरम्स एंड लिक्विड्स जो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, सो दैट्स नॉट मी। हाउ प्रिपेयर योर मेंटल हेल्थ? ओह, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके हेल्थ का लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली भी आपका ख्याल रखिए एंड आई ट्राई टू मेडिटेट फॉर सम टाइम एटलीस्ट। अब तो बिजी स्केड्यूल है बट जैसे मेरा वर्कआउट ख़त्म होता है मैं 10 मिनट तो कम से कम अपने लिए निकालती हूँ एंड आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड चांटिंग हरे राम कृष्णा कृष्णा वाला जो हरे कृष्णा का चांट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा सेन रखती है, कनेक्टेड रखती है एंड जिस तरह का माहौल है आजकल डिप्रेशन इतना ज़्यादा कॉमन है लोगों में, ये आपको उससे थोड़ा बचा कर रखता है। स्किप माई डाइट हर और मैं तो यार मैं वही तो कह रही हूँ, ये जो सेट पर है अभी परसों ही छोटौन ने सोया चाप ये चाप वो सारी चीज़ें मंगवाई थी एंड ही वॉज वेरी एडमेंट आप खाओ खाओ, मैंने बोला नहीं मतलब नहीं। तो मैं वैसे बहुत एंड आई थिंक मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए पिघल जाती हूँ, दैट इज़ समोसा, यहाँ पे हम सेट पे जो मंगवाते हैं एंड आई कैन जस्ट स्किप माई डाइट फॉर दैट, बट अब मैं वो भी नहीं करने वाली। हेल्दी लाइफ मंत्र है इज़ प्लीज़ बी कंसिस्टेंट विथ एनी थिंग यू डू। अगर आप स्विमिंग करते हो या फिर आपकी जो भी एक्टिविटी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड वन स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर रूटीन, चाहे वो खेलना हो, कहीं रनिंग हो, वॉकिंग हो, ये आपके लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई ट्राई टू फॉलो दैट। थैंक यू।